नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भारतीय रोजगार चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी डिटेल आपको शेयर करना चाहेंगे। नेस्ट में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, तो उसका डिटेल हम आपको शेयर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हम आपको शेयर करते हैं जो आपके काम की और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनके भी काम के बन सके। तो दोस्तों, ये जो नेस्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, यहाँ पे नेस्ट का फुल फॉर्म है। और यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई हुई है। टोटल 4062 पोस्ट है यहाँ पे, और ये जो अपडेट हुआ है वो 29/6/2023 को हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे जो सैलरी सॉरी फीस रखी गई है कैंडिडेट के लिए वो है 2000 से लेके 15000 के बीच में, जहाँ पे प्रिंसिपल कैंडिडेट जो है वो 2000 फीस लगेंगे उनको, पीजीटी कैंडिडेट को 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये रखा गया है, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसके बाद जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल का और पेमेंट का, वो 31 जुलाई तक है। और जो एग्ज़ाम होगा वो आपको वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 180 मिनट मतलब 3 घंटे का होगा, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपका 2.5 घंटे का होगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको एडमिट कार्ड में शो कर दिया जाएगा जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैक्सिमम एज लिमिट प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हो 50 साल मंगा हुआ है, मैक्सिमम पीजीटी के लिए 40 साल और मैक्सिमम अकाउंट जेएसए लैब अटेंडेंट के लिए 30 साल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पीजीटी के लिए यहाँ पे बीएड, एमएससी, एमसी, एमकॉम, एमई, एमटेक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे पीजी डिग्री मंगा हुआ है विथ रिलीवेंट डिसिप्लिन के साथ, प्लस अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे डिग्री मंगा हुआ है रिलीवेंट डिसिप्लिन के साथ, और जेएसए अटेंडेंट 10वीं 12वीं क्लास वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए 303 पोस्ट है, पीजीटी के लिए 2266 पोस्ट है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1493 पोस्ट है दोस्तों। अगर हम इसका ऑफिशियल लिंक पे जाते हैं, ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दोस्तों मैं इसको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको देख सकते हो। और एक चीज़ है दोस्तों, जो भी हम वीडियोस यहाँ पे शेयर करते हैं वो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए ताकि उनको भी इनकी जानकारी हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो ये है दोस्तों, देख लीजिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRC, यहाँ पे फुल उसका डिटेल दिया हुआ है, लगभग 33 पेज का है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स दिया हुआ है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी, आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। आपको यहाँ जो बुकलेट दिया गया है उसके हिसाब से फॉर्म फिल करना है दोस्तों। जैसा कि मैंने फीस बताया था, इन्होंने पहले पेज पे फीस को क्लियर कर दिया है। सेकेंड पेज में आप देख सकते हो वैकेंसी डिटेल को इन्होंने शेयर किया है कि कौन से पोस्ट पे कितना वैकेंसी है और कौन से कैटेगरी वाइज कितना कितना है। तो ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम लिंक और आपका ये ब्लॉगर, इन दोनों वेबसाइट का सबका लिंक वहाँ पे मैं दे दूंगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ जो वैकेंसीज है वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी निकला हुआ है और कैटेगरी वाइज स्टूडेंट कैंडिडेट के लिए भी निकला हुआ है। बिल्कुल आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इनका पे मैट्रिक क्या होगा ये भी आपको शेयर कर देता हूँ। प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 का रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लेवल 8, अकाउंटेंट के लिए लेवल 6, जेएसए के लिए लेवल 2, लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 का रहेगा।
मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड रहेगा, पेन पेपर मोड, ठीक है। चॉइस ऑफ मीडियम वो कैंडिडेट के ऊपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया जाएगा, आप वहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न के लिए, प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हो, उन्होंने दे दिया है यहाँ पे कैसे देना है। पार्ट 5 में होगा, सिमिलर PGT के लिए पार्ट 6 में होगा, अकाउंटेंट के लिए पार्ट 4 में होगा, और सॉरी पार्ट 5 में होगा, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 5 सॉरी 5 पार्ट में होगा, और स्टेज 2 में उसका टाइपिंग स्पीड चेक होगा। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे पार्ट 4 में होगा, आप देख सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे आप पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो, सिलेबस इन्होंने दे रखा है, और के बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये है क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए कौन क्या अप्लाई कर सकता है वो भी दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, PGT कंप्यूटर साइंस अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन्होंने शो कर दिया है दोस्तों। तो बिल्कुल जो भी एलिजिबल हैं दोस्तों अप्लाई करिए, और कैटेगरी अगर आपका एज ओवर हो चुका है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखा के आप अपना रिलैक्सेशन ले सकते हो दोस्तों। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हो आज के लिए इतना ही है, और फॉर्म फिल करते समय अगर आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम हो रही होगी तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि तो हम आपको वहाँ पे आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो बिल्कुल हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ों के भी नोटिफिकेशन हम आपको शेयर करेंगे दोस्तों। तो ये है चॉइस सेंटर, कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा वो दिया हुआ है, तो ऑल स्टेट में दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो ऑल स्टेट एग्जाम सिटी दी गई है। तो बिल्कुल इसके हिसाब से अपना सेंटर सेलेक्शन करिएगा। थैंक यू।